तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही, एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोच सोचो, कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में सोचने में सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, वैसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा परीक्षा वाले की लड़की से। तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, डमी मूड से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो, सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस है और कहने में डरपोक है। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया विवाह कब कर रहे हो। ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता से। अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, लाल बाबा दे रहे मर गया लौटा पावर हाउस दिया। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो, तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी, हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है, खेल है सर। कभी जीतोगे, कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे ले जाएंगे लोग, भैया भैया किसी के फुफी लड़के हो जाओगे, किसी खाले लड़के हो जाओगे, किसी मामू लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे पहले तो नहीं थे यार, हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं। जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर, ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की बड़ी सराहना करता हूं। क्या बात, क्या जज्बा उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे जब वो गांधी फैमिली होकर, उनको चिंता नहीं। मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। वो चीजें कीमती होती हैं, विशेष परिस्थिति में तुम हार गए और मुस्कुरा रहे, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा, बस वही महान है।